कतर लेबर लॉ के मुताबिक कतर में मौजूद तमाम कंपनीज की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स को ईद उल अधा के मौके पर 3 वर्किंग डेज की हॉलीडेज देने के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कतर में ईद उल अधा 28 जून 2023 बुध के रोज मनाई जाएगी, तो कतर के लेबर लॉ के मुताबिक 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक कतर की तमाम कंपनीज की ये कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वर्कर्स को ईद की हॉलीडेज देंगी। अगर कतर में मौजूद कोई कंपनी ईद की हॉलीडेज के दौरान अपने वर्कर्स से काम लेती है, तो फिर उस कंपनी की यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी कतर लेबर लॉ के मुताबिक। अब जो ओवर टाइम की एक्स्ट्रा पेमेंट होगी वो कैसे होगी? मिसाल के तौर पे नॉर्मल वर्किंग डेज की सैलरी वर्कर की 100 रियाल है और कंपनी उससे ईद की छुट्टी के दौरान उससे काम कराती है, तो 100 जो उसके नॉर्मल डे की सैलरी है उसके साथ उसको 150 रियाल की एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी, जो कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी और वर्कर का कानूनी हक बनता है।